तैवान का हाल तो आपने देखा, और अभी आपको बताएं कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ़ सदर असेंबली हलीम आदिल शेख ने कहा कि वज़ीर आला मुराद अली शाह गिरफ्तार शख्स से इतना डरते हैं कि उनकी आमद से पहले ही खिताब करके चलते बने। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सईद गनी ने उनकी तबीयत पर बात की, अगर अपोजिशन ने डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट बता दी तो शिकायत होगी। सिंध असेंबली का इजलास था और एज अपोजिशन लीडर मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिंध असेंबली का इजलास अपने टाइम पे शुरू हो। खौफ का ये आलम है, खौफ उस शख्स से जिसको आपने बंद किया हुआ है। खौफ के आलम में दो मिनट की दुआ कराकर वज़ीर आला सिंध असेंबली आते हैं। अरे भाई, गिरफ्तार आदमी से खौफ? और वज़ीर आला सिंध अपनी तकरीर करके वहां से चले जाते हैं। जो इन्होंने आज मुझे मेरा हक इन्होंने छीना है, जब वज़ीर आला ने बात करनी थी तो अपोजिशन लीडर ने भी बात करनी थी। पहली दफा वक्त पे इजलास शुरू हुआ, पहली दफा दो मिनट की दुआ हुई। नहीं तो यहाँ तो पता नहीं बाबा आदम तक की दुआएं मांगी जा रही होती हैं, उसकी दुआ, उसकी दुआ, उसकी दुआ, उसकी दुआ। और उसके बाद वज़ीर आला, आज वज़ीर आला सिंध चोरों की तरह असेंबली में आया है। उसने साबित किया कि वो सिंध का सबसे बड़ा चोर है। चोरों की तरह छुप कर आया, चोरों की तरह स्पीच करके वापस चला गया। जेल में जब ये तशद्दुद हुआ तो मेरी दो उंगलियां सुन हुई और मेरे कंधे में पेन, पीछे मुक्के घूसे लाते सब पड़ी थी। वो NICBD आए और NIC वालों का नहीं है, उसके बाद AR जमालिया, उन्होंने कहा कि आर्थोपेडिक के इशूज है, टांग आपने देख ली, ये जो मारपीट पड़ी यहाँ इसके ऊपर उसकी वजह से है। लगारी साहब हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार हो गए हैं। नैब की जो कैदी थे, जो डेढ़ दर्जन हमारे अंदर बैठे हुए हैं नैब के जो जाली बेल्स के ऊपर हैं, आज से उनका काम शुरू हो चुका है। अब देखिएगा इंशाल्लाह। मैंने इनसे कह दिया कि भाई एसी वैसी ठीक करा लो, मेरे लिए तो AC बंद कर दिया, बख्तर बंद में लाते हैं, AC भी बंद कर दिया ताकि मैं जितनी तकलीफ दे सके। तो मैंने कहा AC वैसी ठीक करा लो, ऐसा भी नवाब ज़ादे ये ज़ादे ये सब BBC में आने वाले हैं। सही खानी, थोड़ी आपको हया करनी चाहिए थी, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हो। आप जो मेरी तबीयत पे बात कर रहे हो ना, अपनी अदाओं पे, आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट बताई तो शिकायत हो। रीच को एक बांध के उसके ऊपर कराची में भी मुख्तलिफ इज़ला में उन पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। कल का जो असम्बली का माहौल था, असम्बली में भी कल नई रवायत रखना चाह रहा था कि इस असम्बली से सिंध की आवाम की भलाई के लिए हम कोई कानून साजी करें।